टू साइंस क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन बताया था, टेंस में क्या क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय बताया था कि टेंस होता क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं टेंस को अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो टेंस का मीन है समय या काल, ये मैंने आपको बता दिया है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, हमारे टेंस के तीन प्रकार होते हैं समय के अनुसार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मीन हो जाएगा वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मीन हो जाएगा भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मीन हो जाएगा भविष्य काल। ईच टेंस हैज फोर फॉर्म्स, हर टेंस की चार फॉर्म्स होती है। हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसकी भी चार फॉर्म्स हैं, पास्ट टेंस है, इसकी भी चार फॉर्म्स हैं, फ्यूचर टेंस है, इसकी भी वही चार फॉर्म्स हैं। हर टेंस की चार सेम फॉर्म्स होती है। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों प्रेजेंट टेंस में भी होती है, पास्ट टेंस में भी होती है, फ्यूचर टेंस में भी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मीन होता है वर्तमान काल, जो हमारा अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, जो मॉडर्न टाइम है, उसी को प्रेजेंट टाइम्स कहते हैं। इसमें कोई कार्य होता है, हो रहा है, हो चुका है, कुछ समय से हो रहा है। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाने, प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें क्या पता चले कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब भी हमारा कोई एक्शन, हमारा कोई काम होता है, जैसे मैं जाता हूँ, हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, हो चुका है, मैं खेल चुका हूँ, कुछ समय से हो रहा है, या पिछले कुछ समय से मेरा वो काम हो रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आएंगे, कोई कार्य होता है, हो रहा है, हो चुका है, या कुछ समय से हो रहा है, ये सभी सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इनकी पहचान मैंने बता दी कि आपको ये फाइंड करना है कि क्या कोई काम होता है, हो रहा है, हो चुका है, या कुछ समय से हो रहा है। अब एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम, कौन सा काम, जो एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारा जो काम होता है वह है प्रेजेंट टेंस में आता है। अब सभी की चर्चा फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म्स लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट का मीन हमें पता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मीन क्या होता है? डेफिनिट निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित। हमारे ऐसे काम जो हमारे जीवन में तो होते हैं लेकिन निश्चित नहीं है, पता नहीं कब होता है, कभी बार बार होते हैं, कोई रोज होता है, कोई कभी कभी होता है, लेकिन वो काम जरूर होता है। ऐसे सभी कार्य, सभी एक्शंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। हम इन एक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो सेंटेंसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इट्स सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला नोन एक्शन सेंटेंस, बी एक्शन सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उन सेंटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन एक्शन सेंटेंस, दूसरा है हमारा एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई काम नहीं करते, किसी का परिचय देते हैं, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है, केवल किसी का परिचय दिया जाता है, वो सेंटेंस हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। एक्शन सेंटेंस जिसमें हम एक्शन करते हैं, कोई भी काम होता है, खाना पीना, बैठना, जाना आना, नॉन एक्शन सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपके सामने दी है। टू इंट्रोड्यूस समबडी, किसी भी व्यक्ति को परिचित करना, टू इंट्रोड्यूस समबडी, किसी भी व्यक्ति को परिचित करवाना, उसको आइडेंटिफाई करवाना, और समथिंग या किसी चीज के बारे में बताना या किसी चीज का परिचय देना, एंड टेल अबाउट समबडी ऑब्लिक समथिंग, या किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में बताना, कहाँ, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक निश्चित प्लेस पर, एक विशेष स्थान पर। तो
नॉन एक्शन सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार की सेंटेंस बनाएंगे हम, एक जिसमें किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं, किसी वस्तु का परिचय देते हैं, या फिर किसी विशेष स्थान पर किसी व्यक्ति को बताना या फिर किसी वस्तु को बताना। ऐसे सेंटेंसेस हमारे बनाए जाते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस के। स्ट्रक्चर लिया मैंने इसका, तो नॉन एक्शन सेंटेंस जो है इसमें सबसे पहले आप राइट करेंगे सब्जेक्ट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में बता दिया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर बी, बी की फॉर्म लिखी जाती है बी, बी वर्ब होती है जिसका मीन होता है होना। अगर एक्शन है तो इसका मीन है होना, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज की जाती है तो इसका मीन होता है इज आर एम। प्रेजेंट टेंस में इसका मीन होता है इज आर एम, पास्ट में इसका मीन होता है वाज और वर। तो बी का मीन है यहाँ पर हमें इज आर एम का यूज करना है, ठीक है। एस का मीन है सिंगुलर, पी का मीन है प्लूरल, आई और आई के साथ एम यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये है, ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज करेंगे, जब हम किसी चीज को किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका परिचय देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा डीएल लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे डीएल प्लस बी, बी की फॉर्म यहाँ क्या लिखी जाएगी इज और आर में से। ये इज और आर किसके अनुसार लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर लिखा जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर है हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, एक चीज को बताना। एक व्यक्ति के लिए अगर कोई वर्ड इंडिकेट किया जाता है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, ही आता है जो हम मेल के लिए यूज करते हैं, शी आता है जिसका भी वह होता है लेकिन हम इसको यूज करते हैं फीमेल के लिए, इट किसी वस्तु या जानवर के लिए यूज किया जाता है, नेम कोई भी नाम हो, मोहन है, सोहन है, राकेश है, जोन है, मोनू है, सोनू है, ये सभी नाम क्या होते हैं सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। जैसे ए पुअर बॉय, ए रिच पर्सन, ए काउ, ए टाइगर, ए लॉयन, ए टीचर, ए स्टूडेंट, ये सब। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का मीन होता है बहुवचन करता, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई मे के लिए यूज किया जाता है, यू सामने वाले के लिए यूज किया जाता है, वी हम सब के लिए यूज किया जाता है, दे ने एक से ज्यादा नाम, जैसे मोहन और सोहन या सोनू या मोनू, प्लूरल नाम जैसे स्टूडेंट्स हुआ, बॉयज हुआ, गर्ल्स हुआ, ये सब प्लूरल नेम्स में आते हैं। अब हम एग्जांपल के जरिए हमारे इस नॉन एक्शन सेंटेंस को समझ लेते हैं। देखें हम सेंटेंस को, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। वह शब्द जो लिखा गया है इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो क्या है, एक अध्यापक है। वह शब्द जो हमारा सब्जेक्ट है इसके आगे लिखा वाला जो वर्ड है, लिखा हुआ जो वर्ड है वो इस वह का इंट्रोडक्शन है। तो ये सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट को परिचित कराया जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाता है। वह एक अध्यापक मेल है, ही यूज किया, क्या बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, हमने ही लिख दिया, फिर क्या लिखना है इज आर एम में से एक। तो वह क्या है हमारा, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है इज, हमने लिख दिया यहाँ पर इज, वी राइट इट इज। नेक्स्ट हमने लिखा ऑब्जेक्ट क्या लिखना है हमें, एक अध्यापक, एक टीचर। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी बी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सेटअप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहित एक अधिकारी है, मोहित क्या है एक अधिकारी है, मोहित इज एन ऑफिसर, मोहित सब्जेक्ट है, एक अधिकारी है, ये आगे वाला वर्ड क्या कह रहा है, ये प्रेडिकेट है, और ये क्या बता रहा है मोहित का इंट्रोडक्शन बता रहा है। तो मोहित इज एन ऑफिसर, मोहित क्या है एक ऑफिसर है, इसमें ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारी बी वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है।
वे हमारे रिश्तेदार हैं, अब वे प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने यहां से लिख लिया दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या बताया था मैंने, आर लिखा है, दे आर अवर रिलेटिव्स, रिश्तेदार को कहते हैं रिलेटिव्स क्योंकि उससे हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन से एक वर्ड क्या बना रिलेटिव्स, वे हमारे रिश्तेदार हैं, बताया जा रहा है सामने जो भी व्यक्ति हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वे हमारे क्या हैं रिश्तेदार, दे आर अवर रिलेटिव्स, दे आर अवर रिलेटिव्स, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपके मित्र हैं, और खुद का परिचय दे रहा है, ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है आगे अपना परिचय दे रहा है, We are your friends. हम आपके मित्र हैं. We are your friends. We क्या हो गया? Subject. Are क्या हो गया? Verb. और your friends क्या हो गया? हमारा object. Next, सोनू और राकेश. Plural subject हो गया. कैसे? Plural subject में देखें. Names. एक से ज्यादा नाम है तो एक से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, और क्या दिया हुआ है वो क्या है हमारे सहकर्मी, सहकर्मी क्या होता है, सहकर्मी वो व्यक्ति होता है जो हमारे साथ ऑफिस में या कहीं पर भी हमारे साथ काम करता है, सोनू और राकेश हमारे सहकर्मी हैं, सोनू एंड राकेश आर अवर कलीग्स, सोनू एंड राकेश आर प्लूरल हो गया आर अवर कलीग्स, सहकर्मी की स्पेलिंग होती है कलीग्स सी ओ डबल एल ई ए जी यू ई, कलीग का मीन होता है सेकंड, नेक्स्ट यह एक घना जंगल है, यह जंगल के लिए यूज किया जा रहा है तो यह को यह का क्या इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो क्या है एक घना जंगल है, यह एक घना जंगल है, दिस इज अ डेंस फॉरेस्ट, यह एक घना जंगल है, डेंस क्या हुआ हमारा घना जो शब्द दिया हुआ है उसके लिए लिखा हमने डेंस डी ई एन एस ई, वह किताब बहुत पुरानी है, दिस बुक वह किताब हमारा सब्जेक्ट है, इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया गया कि वो बहुत पुरानी है, दिस बुक इज वेरी ओल्ड, अब एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था इसके सेंटेंसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बताया गया है उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते हैं, डियर दिया हुआ है, देखो जो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी भी विशेष स्थान में किसी वस्तु को बताना, किसी व्यक्ति को बताना, ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है किसी विशेष स्थान पर किसी व्यक्ति को बताने के लिए, वस्तु को बताने के लिए, इसकी पहचान कैसे होगी, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में जगह का जो नाम आएगा उस जगह के नाम के आगे मे शब्द लिखा हुआ है, जो भी प्लेस है उस प्लेस के आगे मे शब्द लिखा हुआ है, पहले पहचान लेते हैं, जैसे प्लेस क्या दिया खेत में मिल गया प्लेस, ऐसे गांव में, ऐसे संसार में, ऐसे तालाब में और ऐसे विद्यालय में, सब जगह प्लेस दिया हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इस प्लेस में कभी लोग किसी व्यक्ति को बताएंगे, कभी वहां किसी वस्तु को बताएंगे या फिर किसी और चीज को बताएंगे, तो उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस चीज का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना पड़ेगा डियर, उसके बाद में जो चीज हम बता रहे हैं जिस पर्टिकुलर प्लेस में हम क्या बता रहे हैं, एक व्यक्ति को बता रहे हैं सिंगुलर, एक से ज्यादा को बता रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा प्लूरल आ जाएगा, तो ये किसके अनुसार आएगा, इसमें वर्ब डियर तो सेम है, डियर तो सेम आएगा लेकिन इसके आगे जो चीज और आ आएगा ये किसके अनुसार आएगा, उस पर्टिकुलर प्लेस में जो चीज बताई जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, फर्स्ट सेंटेंस वहां खेत में किसान है, वहां खेत में देखो वहां शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है, हो सकता है वहां शब्द लिखा हुआ नहीं आए डायरेक्टली आ जाए खेत में किसान है, तो खेत क्या है पर्टिकुलर प्लेस है और वहां किसे बताया गया, एक किसान को बताया गया,
तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में कोई चीज बताई जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, डियर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर इज सबसे पहले क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इच। डियर इज अ फार्मर, सबसे पहले लिखो डियर, उसके बाद में लिखना है इज। अब ये इच क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस में केवल एक किसान को बताया जा रहा है और वो है सिंगुलर नाउन। डियर इज अ फार्मर इन द फील्ड, वो जो पर्टिकुलर प्लेस है ये हमारा लास्ट में लिखा जाएगा। तो डियर इज अ फार्मर इन द फील्ड, वहां खेत में एक किसान है। गांव में एक अस्पताल है, डियर इज गांव में, जगह क्या दी गई, गांव में एक अस्पताल है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डियर, उसके बाद में वर्ब यूज करनी है, वर्ब हम कौन से लेंगे, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। तो डियर इज अ हॉस्पिटल इन द विलेज, विलेज गांव में एक अस्पताल है, एक को बताया जा रहा है। अभी तक वर्ब कौन सी चल रही है, इज चल रही है। नेक्स्ट, संसार में हर जगह COVID-19 महामारी। इस प्रेजेंट टाइम में आपने ये देखा होगा लॉकडाउन के कारण, कि लॉकडाउन का कारण क्या है, कि जो वर्ल्ड है हमारा, उस वर्ल्ड में हर जगह कोरोना वायरस जो बीमारी है, जिसको शॉर्ट में COVID-19 कहते हैं, वो फैली हुई थी हर जगह। तो COVID-19 का पर्टिकुलर प्लेस क्या हुआ, संसार। तो वहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं, संसार में हर जगह COVID-19 महामारी है। डियर सबसे पहले लिख गया, COVID-19 महामारी जो है, अभी एक बीमारी चल रही है। डियर इज COVID-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक कहते हैं महामारी, जानलेवा जो बीमारी आ जाती है वो महामारी कहलाती है। डियर इज COVID-19 पैंडेमिक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में हर जगह COVID-19 पैंडेमिक है। तालाब में कुछ मगरमच्छ है, तालाब में कुछ मगरमच्छ है। अब तालाब भी पर्टिकुलर प्लेस है, डियर मगरमच्छ एक से ज्यादा है, अब वर्ब क्या आएगी, आर, क्या लिखेंगे हम, आर। डियर आर सम क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड, तालाब इन द प्लेस, पॉन्ड क्या हो जाएगा, प्लेस नेम हो जाएगा, इन द पॉन्ड। तो तालाब में क्या है, कुछ मगरमच्छ है। डियर आर सम क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड। विद्यालय में 25 अध्यापक है, अब विद्यालय एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया और वहां हम किसे बता रहे हैं, वहां अध्यापक की संख्या बता रहे हैं। तो डियर आर 25 टीचर्स इन द स्कूल, 25 टीचर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो 25 टीचर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, यहाँ पर आर यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नॉन एक्शन सेंटेंस सिखाए हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस में दो प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मैंने दिया है, एक जिसमें किसी व्यक्ति का परिचय कराया जाता है, दूसरा किसी विशेष स्थान पर किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बताया जाता है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आज इसको राइट डाउन करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे और 20 सेंटेंस आपको नॉन एक्शन बनाने हैं, जिसमें 10 सेंटेंस जो है वो आपको बनाना है जिसमें किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी भी वस्तु हो या पर्सन को शो करने के लिए। हमने लास्ट ये सीख लिया था कि नॉन एक्शन सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब हमारे पास एग्जाम में तो नॉन एक्शन सेंटेंस के फिल द ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए आएंगे, तो वो हम करके देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ इज आर एम, इज आर और एम, इनका करेक्ट यूज करते हुए हमें एक्शन सेंटेंस फिलअप करना है। हमें किसका यूज करना होगी, इज जो सिंगुलर के साथ लगता है, आर जो प्लूरल के साथ लगाते हैं, एम जो आई के साथ लगाते हैं। अब इन तीनों का यूज करते हुए हमें ये फिल द ब्लैंक करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इंडिया एक ग्रेट कंट्री, इंडिया क्या है, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन हो गया इंडिया, और सिंगुलर नाउन के लिए मैंने क्या बताया था, इज। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, मोहित माय फास्ट फ्रेंड, मोहित मेरा पक्का मित्र है। मोहित कौन है, नेम है, नेम के लिए क्या होता है, सिंगुलर नेम होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इज।
नेम जो होते हैं उनके लिए हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे इज को. तो मोहित यहाँ भी क्या फिल अप किया जाएगा, मोहित इज माई फास्ट फ्रेंड, मोहित मेरा पक्का मित्र है. माई ब्रदर एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरा भाई एक ईमानदार व्यक्ति है. अब मेरा भाई सिंगुलर नाउन हो गया, ब्रदर वर्ड क्या हुआ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं इज. तो माई ब्रदर is an honest person. एक हमने छोड़ दिया, देखते हैं थर्ड वाला. They fill the blank your foes. वे तुम्हारे दुश्मन हैं. Foes कहते हैं दुश्मन को. F O E. Foe. Foe का मीन होता है दुश्मन. तो F O E S plural हो गया. तो वे लोग तुम्हारे क्या हैं? दुश्मन हैं. They क्या है? Plural subject. They के according क्या आएगी helping verb? यहाँ आएगा R. Leading verb में क्या रहेगी? R. They are your foes. My brother, ये sentence हमने कर लिया है. Fifth sentence, dear. अब मैंने आपको दो प्रकार की structure बताई थी पहले. एक तो dear से start हुआ, जहाँ particular place पे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को बताने वाले sentence थे. तो dear से start होंगे वो हमेशा. तो dear से जो भी sentence start होता है, उसके आगे fill in the blank मिलेगा. और fill in the blank के आगे जो object दिया हुआ है, फ्लिंडा ब्लैंक के आगे, जैसे दियर यहाँ दिया हुआ है, फ्लिंडा ब्लैंक है, और फ्लिंडा ब्लैंक के आगे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें इज और आर फिलअप करने हैं. यहाँ यदि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, यहाँ यदि सिंगुलर है तो हम इज पुट करेंगे. तो दियर सम फ्लावर्स, दियर तो सेम है, सम फ्लावर्स कुछ फूल, एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे यहाँ दियर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट, टोकरी में कुछ फूल है. बास्केट का मीन होता है टोकरी. डियर अ बिग टैंक इन द विलेज, डियर अ बिग टैंक इन द विलेज. बिग टैंक, डियर के बाद में फिर हम गए इन द ब्लैंक के आगे लिखा हुआ ए बिग टैंक, इट मींस सिंगुलर, इन द विलेज गांव में, जगह का नाम है. गांव में एक बहुत बड़ी टंकी है, गांव में एक बड़ी टंकी है, टैंक मीन्स टंकी. तो ए के साथ क्या है, ए बिग टैंक, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज. तो दियर इज ए बिग टैंक इन द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस है सी क्लीन द ब्लैंक ए ब्रेव गर्ल, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज. सी इज अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है. इट क्लीन द ब्लैंक ए गुड थिंग, यह एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज है. थिंग बात के लिए भी हो सकता है, किसी फैक्ट के लिए भी हो सकता है, जो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है उनके लिए अच्छी बात है, या फिर किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है. तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ गुड थिंग. डियर फिल द ब्लैंक सम नैरो माइंडेड पर्सन, नैरो माइंडेड पर्सन, नैरो माइंडेड पर्सन क्या होता है, संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो छोटी सोच रखते हैं, नैरो माइंडेड पर्सन कहते हैं. तो इन द फैमिली, परिवार में कुछ संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोग हैं. तो अब एक से ज्यादा पीपल है उसके लिए क्या यूज करेंगे, दियर आर सम नैरो माइंडेड पर्सन इन द फैमिली. टेंथ, आई फिल द ब्लैंक योर बॉस नाउ, मैं अब तुम्हारा बॉस, तुम्हारा मालिक. तो आई के लिए क्या यूज किया जाएगा, I के लिए हम यूज करेंगे एम. स्ट्रक्चर में मैंने डिनोट किया ना कि I के साथ हम क्या यूज करता है एम. इस क्लिंडा ब्लैंक को करके देखिए, ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसमें कैसे पूछा जाएगा, देखो मैं बताऊँ, ऊपर भी आपको दे सकता है लिंकिंग वर्ब, और हो सकता है आपको यहाँ पर क्लिंडा ब्लैंक में यहाँ आपको बी वर्ब दी जाए. अब ये बी वर्ब जब दी जाएगी आपको पता लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है. तो बी का मतलब है इज आर एन. तो यहाँ आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगा सकते हैं, और आई के अकॉर्डिंग एन लगा सकते हैं. ऐसा यहाँ पर दिया जा सकता है, बी के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है. एक्शन सेंटेंस, नॉन एक्शन हमारा कंप्लीट है, नॉन एक्शन सेंटेंस करता है. नॉन एक्शन सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी काम होता है, बजाता है, हम बोलते हैं, विद्यार्थी खेलते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, मेरी माताजी मुझे डांटती है, पिताजी मुझे बुलाते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, सब में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. ऐसे सेंटेंस को बनाने की,
एक्चुअली इज डन इन सच सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में कोई काम होता है? आइडेंटिटी देखते हैं उसमें, पहचान क्या होती है ऐसे सेंटेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, नॉन एक्शन को हम कैसे पहचान लेते थे कि उन सेंटेंस में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, पर्टिकुलर प्लेस में किसी चीज को बताया जा रहा था। लेकिन एक्शन सेंटेंस में हम कैसे पहचाने? एक्शन सेंटेंस हम पहचान सकते हैं किसी भी एक्शन सेंटेंस, कोई भी एक्शन सेंटेंस जो है वो एंड होगा, उसके एंड में दिया हुआ होगा क्या? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये दिया हुआ हो सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस है, अगर उसके एंड में ता है दिया हुआ है, ती है दिया हुआ है, ते है दिया हुआ है, ता हूं दिया हुआ है, ते हो दिया हुआ है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्शन सेंटेंस होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस को, इसको बनाएं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसमें हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब ये जो एक्शन सेंटेंस है इसको भी मैंने दो प्रकार से सेंटेंस में बांट दिया है। एक तो वो सेंटेंस जिसमें एक्शन होता है, हालांकि दोनों में एक्शन होगा, लेकिन एक सेंटेंस में पोजिशन शो किया जाएगा। पोजिशन का मतलब है अपने अधिकार में जो चीज़ें होती हैं उनको बताना। जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास एक गाय है, उनके पास कुछ कंबल है। इनमें क्या हो रहा है, एक तो आप हिंदी में देखें पास शब्द लिखा हुआ है, के पास, क्या लिखा हुआ है, के पास शब्द लिखा हुआ है। एक इसमें क्या है, पोजिशन शो हो रहा है सब्जेक्ट का, उन चीज़ों के ऊपर अधिकार हो रहा है, पोजिशन का रहा है। देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैज आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से सेंटेंस के हैं, ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, सकारात्मक वाक्यों के, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर नॉट नहीं होता, नहीं शब्द नहीं होता है, नॉट। अब हमें नॉट देखना है कि आखिरकार क्या विशेष बातें होती हैं, कब तो हम ES लगाएंगे, कब S लगाएंगे, और कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एक बार तो लगाना है S, एक बार लगाना है ES, ये कब लगाएंगे, वी पुट ES, हम ES लगाते हैं विद द वर्ब एंडिंग, ऐसी वर्ब के साथ जो एंड हो रही हो, किस पे, S, double S, SH, CH, X, O, double J। अगर कोई भी वर्ब इन लेटर्स पर एंड हो रही है तो हम उनके साथ ES लगाते हैं, एंड ओनली S, और हम केवल S लगाते हैं विद द वर्ब, ऐसी वर्ब के साथ एंडिंग नॉट S, double S, S, H, C, H, X, O, double J। यदि कोई वर्ब S, double S, S, H, C, H, X, O, double Z पर एंड हो रही है तो ES लगाएंगे, अगर एंड इन लेटर्स पर एंड नहीं हो रही है तो हमें उसमें S लगाना है। कौन से सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट के वाक्य, इन द सेंटेंसेस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई भी सेंटेंस आ जाए आपका हिंदी में, आपको उसका सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे माइंड में दो बातें आनी चाहिए कि इसकी वर्ब का लास्ट लेटर यदि इनमें से है तो हम ES लगाएंगे, और अगर इनमें से नहीं है तो हम ओनली S लगाएंगे। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन यदि मान लो कि हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ओके, एग्जाम्पल करके देखते हैं। वह बाजार से किताबें लाता है, पहचान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या लास्ट इसमें कोई एक्शन हो रहा है, वह बाजार से किताबें लाता है, एक्शन हो रहा है लाना, देखें एक्शन हमेशा एंड में होता है, लाना ये एक्शन है हमारा, ये हमारा एक्शन दिया हुआ है, लाना काम हो रहा है, इट मींस एक्शन सेंटेंस है। अब इसकी पहचान करते हैं, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमने देखा लास्ट में आइडेंटिटी क्या दी गई, ता है, तो आ रहा है किसमें, ता है, ये दिया हुआ है इसमें, ता है, इट मींस ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब सब्जेक्ट के पास आते हैं, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वह बाजार से किताबें लाता है, इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम क्या करते हैं, ES ऐड करते हैं, कब, जब वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, इनमें से हो, तो वर्ब हमारी क्या है,
लाता है, इट मींस ब्रिंग, लाना क्या होता है, ब्रिंग, बी आर आई एन जी, जी है, लास्ट लेटर क्या है इसका, जी, तो इनमें से है ही नहीं, इट मींस हमें ओनली क्या पुट करना है, एस पुट करना है, तो हमने लिख दिया ई ही ब्रिंग्स बुक्स, ऑब्जेक्ट बुक्स हो गया, ही ब्रिंग्स बुक्स, वह किताबें लाता है फ्रॉम द मार्केट, कहां से, बाजार से, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वर्ब फिलअप कर लिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब का लास्ट लेटर जी था, इसलिए केवल एस लगाया है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से होता तो हम यहाँ पर एस नहीं ईएस पुट करते, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वे मुझे पीटते हैं, वे हमारा सब्जेक्ट है, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया, इसकी भी पहचान करते हैं, लास्ट में क्या दिया हुआ है, ते हैं, आइडेंटिटी में मिल गया है, ते हैं, वे मुझे पीटते हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, दे बीट मी, वो मुझे पीटते हैं, सोहन प्रश्न हल करता है, यहाँ वर्ब देखो बीट है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके अकॉर्डिंग लगाई हमने, प्लूरल सब्जेक्ट दे के अनुसार, यहाँ वाला सब्जेक्ट फाइंड करेंगे ये क्या है प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यदि यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब में हम एस या यस पुट करते, सोहन प्रश्न हल करता है, सोहन प्रश्न हल करता है, सोहन क्या करता है, जो भी क्वेश्चन उसके पास है, जो प्रश्न उसके पास है उनका सॉल्यूशन करता है, उसको सॉल्व करता है, उसको हल करता है, देखते हैं सोहन क्या है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया सोहन, तो वर्ब क्या है हमारी, हल करना, एक्शन हो रहा है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, ता है, सोहन प्रश्न हल करता है, हल करना क्या होता है, सॉल्व, लास्ट लेटर क्या है, ई, इनमें से नहीं है, ओनली वी पुट ई एस, ओनली वी पुट एस, सोहन सॉल्व द क्वेश्चन, सोहन क्या करता है, प्रश्नों को हल करता है, आप देखें यहां वर्ब के एसेस नहीं लग रहा है, यहां वर्ब के एसेस लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहां का सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहां का सब्जेक्ट प्लूरल है, रवि और रमेश खाना पकाते हैं, रवि और रमेश प्लूरल सब्जेक्ट, डबल नेम हो गया, नेम्स आ गया, क्या करते हैं, पकाते हैं, ते हैं दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाओ, सब्जेक्ट के पास चलेंगे, रवि और रमेश, रवि एंड रमेश क्या करते हैं, ये खाना पकाते हैं, पकाना क्या होता है, कुक, क्या कुक में ऐसे एस लगेगा, नो, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, रवि एंड रमेश कुक फूड, हमने क्या लिखा, हमने क्या राइट किया, रवि एंड रमेश कुक फूड, रवि और रमेश खाना पकाते हैं, विद्यार्थी कक्षा में बातें करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, लास्ट में क्या दिया हुआ है, ते है, ता हूं, ता है आ जाता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ते है इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो विद्यार्थी कक्षा में बातें करते हैं, विद्यार्थी क्या है, एक से ज्यादा, तो हमने लिखा स्टूडेंट्स, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास में टॉक करते हैं, अब देखिए मैंने आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर और दिखाया था, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने आपको कहा था कि इसमें पास शब्द लिखा हुआ है, जो भी पजेसिव वर्ड है, मेरे आपके उसके उनके हमारे, इनके जस्ट आगे पास शब्द लिखा हुआ आता है, देखो जो एक तो पास शब्द लिखा हुआ आता है, कोई चीज हमारे पास में है उसके लिए, एक चीज दूरी के लिए पास आता है, जैसे मेरा घर उसके पास में है, मैं दिल्ली के पास में हूँ, मैं दीवार के पास में हूँ, ये तो आपकी दूरी को बता रहा है, वहाँ पास शब्द का मतलब नियर होता है, मींस उसका नियर होता है, लेकिन यहाँ पास शब्द का मीन है आपका, आपके अधिकार में क्या चीज है, आपका किसी उस चीज के ऊपर पोजीशन है, तो हम और ये पास शब्द हमेशा लिखा हुआ आएगा, पोजीशन जो वर्ड्स होते हैं जैसे मेरे आपके उसके मेरे, इनके जस्ट आगे लिखा हुआ आएगा, तो हमने यहाँ लिखा मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास, ये शब्द आगे, ये हमारा सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट कहाँ से बनाना है,
जो पजेसिव है उसके आगे जो पास शब्द लिखा हुआ है वो पूरा लेके आपको क्या बनाना है, मेरे पास ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गई मेरी वर्ब और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक मोबाइल है, मेरी आई सब्जेक्ट मानेंगे, पजेसिव ये नहीं, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, हम उसको सब्जेक्ट के केस में है, यहाँ कौन से केस में, सब्जेक्ट के केस में, तो हम यूज करेंगे आई। तो हमने लिखा आई, आई क्या माना जाता है प्लूरल, क्या लगाएंगे, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, आपके पास एक जादुई छड़ी है, आपके पास, अब पहले मेरे पास बताया गया था, जस्ट अब आपकी बात की जा रही है, तो आपके पास क्या है, एक जादुई छड़ी है, तो देखिए कैसे बनाए इसको, यू हैव अ मैजिकल वॉन्ड, जादुई छड़ी को कहते हैं मैजिकल वॉन्ड, मैजिकल वॉन्ड, स्टिक यूज नहीं करेंगे, वॉन्ड यूज करेंगे, यू हैव अ मैजिकल वॉन्ड, आपके पास एक जादुई छड़ी है, उसके पास एक घड़ा है, उसके पास एक घड़ा है, उसके इट मींस ही और शी दोनों से कुछ भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें पता लग रहा है कि फीमेल है तो शी यूज कर लें, अगर हमें नोन हो रहा है कि ये मेल है तो हम ही यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं उसके पास एक घड़ा है, सिंगुलर हुआ, ही और शी क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा हैज, तो हम यहाँ राइट किया उसके पास एक घड़ा है, सी has, ये वर्ब है हमारी, यहाँ हैव है, यहाँ भी हैव है, और शी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ हैव क्यों है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ हैव क्यों है क्योंकि क्या दिया हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ हैज क्यों है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी हैज अ पिक्चर, पिक्चर पिक्चर, सी हैज अ पिक्चर, पी आई पी सी एच ई आर, देखो एक तो होता है पिक्चर तस्वीर, एक होता है पिक्चर, पिक्चर जो होता है वो तस्वीर है और ये पिक्चर है, पिक्चर का मतलब होता है मटका घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, पानी ठंडा करते हैं, सी हैज अ पिक्चर, मेरे भाई के पास पर्याप्त पैसा है, मेरे भाई के पास, माय ब्रदर सिंगुलर है, माय ब्रदर हैज इनफ मनी, बाय द वे अगर यहाँ लिखा हुआ होता मेरे भाइयों के पास तो हम क्या लिखते हैं माय ब्रदर्स हैव, तो यहाँ क्या आता है मेरे भाई के पास पर्याप्त पैसा है, माय ब्रदर हैज इनफ मनी, मेरे भाई के पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त के लिए हम इनफ भी यूज कर सकते हैं, एडिक्वेट भी यूज कर सकते हैं, हम सफिशियंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा माय ब्रदर हैज इनफ मनी। अब मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टेंस का आगे का भाग है वो बताऊंगा, उसमें मैं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल एच वर्ड का यूज कैसे किया जाता है वो बताऊंगा, और एडवर्ब आपको लर्न करनी है, मैंने यहाँ एडवर्ब लिख रखी है, इन एडवर्ब्स को लर्न करेंगे तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिल द ब्लैंक के सेंटेंसेस को क्या कर पाएंगे फिलअप कर पाएंगे। एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखें ऑफन, ऑफन का मीन होता है अक्सर, वो अक्सर आता है, ऑफन वर्ड यूज होता है, सेल्डम नेवर इनका मीन होता है कभी नहीं, वो कभी कभी झूठ नहीं बोलता है, ओकेजनली ओकेजनल आमतौर पर, रेगुलरली नियमित रूप से, वो रेगुलरली क्लास में आता है, वो रेगुलरली दो घंटे पढ़ाई करता है, डेली रोज जनरली सामान्य तौर पर, वो सामान्यता बस से ही आता है, यूजुअली सामान्यता, यूजुअली सामान्यता, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली बार बार बहुधा बार बार बिजली जा रही है, रेयरली बहुत ही कम, बहुत ही कम हम आपके घर आते हैं, या बहुत ही कम पिताजी मुझे डांटते हैं, वंस ए डे दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में दो बार, थ्री टाइम्स इन ए डे दिन में तीन बार, एवरी एवरी के साथ में डे लगा हुआ आ रहा है, वीक आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है और सीजन आ रहा है, तो हम क्या यूज क्या मानेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वर्ब्स को फिलअप करेंगे। अब ये जो आज का मेरा वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसके आगे का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी बहुत बाकी है, मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको करना भी क्या है, मैंने आपको थैंक यू कहा है, अब आपको करना क्या है इससे रिलेटेड होमवर्क भी करना है, इसको नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। Thank you for watching video.